दिलचस्प बड़ा तमाशा देखने को मिल रहा है इसका। उप मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं कौन कौन से महकमे मांगे, कुछ महत्वपूर्ण महकमे, कुछ महकमे उनको दे दिए गए, लेकिन कहा गया कि भाई लोगों में जो चर्चा है कि उनके हिसाब से नहीं दिए गए। और उन्होंने पहली रिव्यू मीटिंग की उप मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की और कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1000 रूट जो है बसों के बंद हो गए। फिर एक मुख्यमंत्री भी बंद करने पर चले हुए हैं और उप मुख्यमंत्री भी बंद करने पर चले हुए हैं। और ऐसे बंद करते करते कहीं ऐसी स्थिति न बन जाए कि सब कुछ ही बंद कर दे, लोग ही बंद कर दे। मुझे कुछ साथी मिले कहने लगे कि हम भी चिंतित हैं। कांग्रेस के विधायक मिले, उन्होंने कहा कि ये सब बंद होना चाहिए। हमने कहा क्या बंद होना चाहिए, बंद तो कर ही रहे हैं वो। नहीं बोलते, ये जो डिनोटिफाई कर रहे हैं ये बंद होना चाहिए। तो मैंने कहा सलाह दो ना जाकर, मुझे क्यों कह रहे। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं, जितने भी हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस के विधायक चुन करके आए हैं, अगर उनको संस्थान, हमारे खोले हुए संस्थान अगर उनको स्वीकार नहीं है, तो वो लिख करके दें, मुख्यमंत्री को लिख करके दें कि इन संस्थानों को बंद करें, तब मैं मानता हूं। और दूसरे, मैं मुख्यमंत्री से इस बात के लिए जरूर कहूंगा कि आप अपने विधायकों से लिख करके ले दीजिए कि मेरे संस्थान, ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ये पटवार सर्कल है, पीएससी है, सीएससी है, सिविल हॉस्पिटल है, जो संस्थान वहां पर खोले गए हैं, जनहित में खोले गए, लोगों की मांगों पर खोले हैं, वो लिख कर लें अपने विधायकों से और उसके बाद बंद करें। तो समझता हूं मैं। फिर कहा किसी विधायक ने कहा, नहीं नहीं बोलते ठाकुर साहब चिंता मत करिए, हम खोल के दोबारा बोलते। कोई विधायक बोल रहा था उनको, हमने कहा जब खोलने की बात कर रहे तो बंद क्यों कर रहे हैं। कहा कि कुछ करना था ना, आपने कुछ करने लायक रखा नहीं था, क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी में कुछ कहना ज्यादा उचित नहीं, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं। हमें कहने लगे कि मंडी बालू ने बहुत जोरदार समर्थन दिया आपको, मैंने कहा स्वाभाविक रूप से मंडी वाले, हमने कहा था कभी ये मंडी हमारी है, हमारी ही रहेगी, और आपने साबित कर दिया। भले ही प्रदेश में कभी रह गई सारी चीज को लेकर के, मुझे उस पर ज्यादा नहीं कहना है। अगर कमी रही है तो पार्टी के सब नेताओं को मालूम है, आज साधारण सा कार्यकर्ता सड़क पर चलने वाला वो भी मानता है कमी किस वजह से रही है। लेकिन आने वाले समय में इस कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं, जल्दी पूरा कैसे कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग थे जो कहते थे मंडी से कि हम अनुभवी हैं, बहुत एक्सपीरियंस है बोलते हैं, और सीनियरिटी के हिसाब से हमारी बारी आई। और पूरन जी ने उस काम को भी पूर्ण कर दिया। मंत्री जी जो अब नेता प्रतिपक्ष है वो बौखलाहट में है और बहुत जल्दी में है, अभी तो हमारी सरकार का एक्सपेंशन भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है इस समय इस तरीके की बयानबाजी करना एक मंजे हुए खिलाड़ी को शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो 5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 साल में उनका हवाई अड्डा तो आज तक मंडी में बना नहीं, तो वो हमको जल्दी का पाठ ना पढ़ाएं। समय रहते हुए सब चीजें पूरी होगी। ओपीएस मुख्यमंत्री जी ने, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कह दिया है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली होगी तो होगी, और उसके अलावा भी जितने भी और वादे जो बातें हमने करी है, जो चुनावों के समय में भी हुई है, उसके अलावा भी जो कांग्रेस पार्टी की गारंटीज है उसको हम चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे, ये हमारा वादा है और उसको हम निश्चित तौर से प्रदेश के अंदर पूरा करेंगे।